ए लड़की, इतनी कमाई है ना इस धंधे में, जितना उस वेट्रेस की जॉब में पूरा एक महीने में नहीं कमाती ना, उतना एक हफ्ते में यहाँ कमा लेगी। लीड कंफर्म्ड है, तुम अभी दो पार्टी लेके वो रिसॉर्ट जाओ। आज तो एस्कॉर्ट रैकेट का किस्सा खत्म होते ही रहेगा। क्या 50,000 रुपए? नहीं, ठीक है मासी, मैं कुछ करती हूँ। मुझे पता है बेटा, बहुत बड़ी रकम है। मुझे तुझसे मांगने में शर्म आ रही है बेटा, पर डॉक्टर ने कहा है कि अगर कल के कल तुम्हारे मौसा जी का MRI नहीं हुआ तो। या मॉम, एग्जाम अच्छा हुआ है, बस मार्क्स अच्छे आ जाए। हाँ, वो एक 5 मार्क्स का सम मिस हो गया मुझसे, बाकी सब अच्छा हुआ है। हाँ, शायद मेरे बैग में था कुछ। नो, आई एम सो सॉरी। ये लो, ध्यान से रखना, बहुत महंगी ड्रेस है ये। ए लड़की, इतनी कमाई है ना इस धंधे में, जितना उस वेट्रेस की जॉब में पूरा एक महीने में नहीं कमाती ना, उतना एक हफ्ते में यहाँ कमा लेगी। अभी तू नई नई है ना, शायद इसीलिए इतना घबराई हुई है। 2-3 बार झाकर आ जाएगी ना तो हिम्मत बढ़ जाएगी, और उसके बाद पैसा तेरे पर्स के अंदर और डर दिल से बाहर। और सुन, पार्टी में जरा ध्यान रखना, DCP रेणु ठाकुर हर जगह रेड डाल रही है, और अगर तू पकड़ी गई ना तो तेरे पीछे मेरा भी पत्ता कट जाएगा। जी। अभी कब आएगी बंदिया? यार मोहित, तुम चले जाओ, मेरा मूड नहीं है। साले, तू पिछले 6 महीने से किताबों में घिसा हुआ है UPSC के लिए। अब प्रिलिम्स हो गई ना तेरी, आज तो चल कर ले थोड़ा। समझा ना यार। You okay? Hi, I'm Tanya. बड़ी हॉट मिली है तुझे, एक टिप देता हूँ। सुना है ना, कुछ रोकड़ा ऑफर करो।
Hey babes, what's up? Mohit, leave. Relax. कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। प्लीज मुझे जाने दो, ये सब मेरी जॉब का पार्ट नहीं है, प्लीज। एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुम ये पढ़ रही थी यहाँ पे? हाँ, दो दिन बाद मेरा एग्जाम है इसलिए। आंटी, एक और पार्टी पर इतनी रात को? तानिया कहीं नहीं जाएगी, उसके जो भी पैसे होंगे मैं दे दूंगा। जाओ जाके पढ़ाई करो। हाय, आई एम आलिया जोशी। तानिया तो मेरा वर्क नेम है। आकाश ठाकुर। थैंक यू। हाँ, और क्या कहा उसने? ओके, हाँ। मैं इस लीड को लंबे अरसे से जानती हूँ लांगरे। नागरे, मुझे किसी भी कीमत पे उस एस्कॉर्ट सर्विसेज के रैकेट को बस्ट करना है। गॉट इट? कहाँ थे रात को? कहीं नहीं, वो फ्रेंड के फ्लैट पे था, उसके बर्थडे पार्टी थी इसलिए। 3 महीने बाद तुम्हारे मेन एग्जाम्स है आकाश, और मेरे ख्याल में यूपीएससी क्लियर करना तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थिंक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसएच पॉजिटिव। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसएच पॉजिटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओ गॉड, क्या था द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तुम यहाँ कैसे? वो मेरी एक फ्रेंड का एग्जाम है वेडनेसडे को, तो उसकी हेल्प करने आया था। एक सेकंड। हेलो जानकी आंटी, मैंने तेरी आज और कल दोनों रातों की बुकिंग ले ली है। पर जानकी आंटी, परसों मेरा एग्जाम है। क्या करना है तुझे एग्जाम देकर? जिंदगी से बढ़कर और कोई एग्जाम नहीं होता, समझी? अब फटाफट फोन नंबर और नाम लिख। ठीक है, बोलिए। आकाश। आकाश ठाकुर। आकाश ठाकुर। तो बोल दो। ओके। बेशर्मियां बर्बादियां हैं इश्क की शैतानियां, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो, किसकी मजाल कोई रोक दे, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्क़ जुनून रुके नहीं, ए बावरी। I'm sorry, I didn't mean it. नहीं, ऐसी बात नहीं है। You know, पार्टीज में इतने लोग छूते हैं, टच करते हैं, पर सबके इरादे ठीक नहीं होते। इस वजह से दिल में इतना डर बैठ गया है ना कि अब कोई भी टच करता है ना तो बस बहुत
अनकंफर्टेबल लगता है। Good luck. Thank you. एग्जाम कैसा हुआ? ऑसम, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। सब छोड़ क्यों नहीं देती वालिया? कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लो। ये मेरी मजबूरी आकाश। कमाल आलिया, ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? I mean, I understand, ऐसे जरूरी है, लेकिन उसके लिए ये सब, ये तुम्हारी एज पढ़ाई की है। प्लीज मेरे लिए। मुझे देर हो रही है, बाय। गई होगी आलिया, शायद जानकी आंटी को पता होगा। हेलो जानकी आंटी। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रहा हूं मैं। मुझे लगा था शायद तुम मेरी बात मानोगी। यू आर बैक हियर अगेन। काश प्लीज, ये प्रोफेशन नहीं छोड़ सकती हूँ। क्यों नहीं छोड़ सकती हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझे जाने दो प्लीज। समझ में नहीं आ रहा है, प्यार करता हूँ मैं तुमसे, नहीं छोड़ सकता हूँ मैं तुम्हें। ये प्यार नहीं पागल बने आकाश, मेरी जिंदगी तो बर्बाद है ही, मेरे पीछे तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? You deserve someone better. भूल जाओ मुझे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। I don't care. चलो मेरे साथ। नहीं जा सकती मैं तुम्हारे साथ, प्लीज आकाश मुझे अंदर जाने दो।
मुझे किसी भी कीमत पर 50,000 रुपए चाहिए कल तक। क्यों चाहिए तुम्हें इतने पैसे? सब तक बताओ कि मैं तुम्हें नहीं जा रहे दूंगा। क्योंकि मेरे माता जी को कैंसर है। लाते उनके इलाज के लिए चाहिए मुझे पैसे। मैं 5 साल की थी जब मेरे पेरेंट्स की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तब से मेरे मौसा और मौसी जी ने ही मुझे संभाला, और आज जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं कैसे ऐसे उन्हें छोड़ दूं? हालिया, हालिया, I'm so sorry. I understand, तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। उसके लिए सिर्फ यही रास्ता क्यों हालिया? कुछ और भी तो कर सकती हो ना? सब ट्राई कर लिया मैंने आकाश। मुझे एक चार्ज दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। I'll find a job for you. Trust me. I trust you, आकाश। मुझे लास्ट टाइम अंदर जाने दो, प्लीज। आकाश, मैं तुम्हारे घर कैसे? तुम कहाँ जाओगी? ऐसे वक्त में तुम्हारे लिए ये जगह ही सेफ है। रिलैक्स, मैं सब संभाल लूंगा। छोटी फेवर चाहिए। इसका एक्सीडेंट हो गया है। Just look at her. बस 2-3 दिन की बात है। बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो तू चाहे। प्लीज। ठीक है। चलो आराम से। गुड जॉब। और कितने लोग पकड़ गए? अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी हमें पूरे एस्कॉर्ट के रैकेट को बस्ट करना है। I'm so sorry. मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मेरी मॉम डीसीपी है। What? अच्छा नागरे, कल मिलते हैं। जय। मॉम, ये मेरी फ्रेंड है आलिया। हेलो आंटी। हॉस्टल में रहती है, इसका एक माइनर सा एक्सीडेंट हो गया तो मैंने कहा हमारे साथ रह ले, वी विल टेक केयर ऑफ हर। पहले कभी नहीं देखा तुम्हें, कोई पार्टी से आ रही हो? मॉम ने तो इंक्वायरी शुरू कर दी। फंस गया यार मैं, बस वो आना। भाई ये मेरी फ्रेंड है आलिया। आलिया, ही इज माय ब्रदर आकाश। हाय। हाय। कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। लेट मी नो इफ आई कैन हेल्प। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इसका ख्याल आना रख सकती। कम आलिया। नमस्ते आंटी। इसको मैंने बिल्कुल टाइट कर दिया है और ये नहीं खुलेगा। आकाश, अगर तुम्हारी मॉम को मेरी सेट पता चल गई तो? तुम्हारी सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। We'll be right back.
यहाँ क्या कर रहे हो? फॉर्म वो मैं कल लेने आया था। गुड नाइट। ये लो। थैंक यू आंटी। आना कहाँ है? आंटी वो वॉशरूम गई है। बटर लगाना आना, बटर इज गुड। गुड मॉर्निंग आंटी। कम Feeling any better? Yeah. क्या लोगी, कॉफी या चाय? कॉफी। मेरा मतलब कि कॉफी आजकल ट्रेंड में है ना, चाय कौन पीता है? नहीं? हाँ। देखो आकाश, मेरी टीम का फर्स्ट सक्सेस। इस एस्कॉर्ट सर्विसेज के रैकेट को तो मैं खत्म करके ही दम लूंगी। नाम तो एस्कॉर्ट का देते हैं और काम करते हैं सेक्स रैकेट का। और ऐसी लड़कियों को इजी मनी की आदत हो जाती है, बेशरम हो जाते हैं। और ऐसी पार्टियों में काफी यंग लड़के जाते हैं। बेबी, तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स भी ऐसे पार्टियों में जाते होंगे ना? नहीं, हम क्यों जाएंगे? एक्सक्यूज मी आंटी, मैं बस आती हूँ। चीज कहाँ पर है? मैं लेके आता हूँ। जी मासी, बोलिए। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना तेरे मौसा जी उसके लिए पूरे 1,00,000 रुपए लगेंगे बेटा। क्या? 1,00,000 रुपए? पर मासी, एक दिन में इतने सारे पैसों का इंतजाम मैं कैसे करूंगी? बेटा कुछ भी कर बेटा, हालिया, वरना तेरे मौसा जी आकाश, कोचिंग क्लासेस परसों से स्टार्ट हो रही हैं, मैंने पैसे सेफ में रख दिए हैं। ऑलराइट, आज फी डिपॉजिट कर देना। ओके, ठीक है। हाँ आगे बोलो। अच्छा तुम ठहरो, मैं आती हूँ। जानकी आंटी? हाँ मैं आलिया। हाँ बोल। आंटी मुझे 1,00,000 रुपए की सख्त जरूरत है। 1,00,000 रुपए? अच्छा ठीक है, मिल जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा पैसों के लिए एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी होगी, समझ रही है ना? जी आंटी, मैं समझ गई आपकी। आलिया कहीं नहीं जा रही है, और आप उसे आज के बाद फोन मत कीजिएगा। अरे मौसा जी को कुछ नहीं होगा, तुम बस नासिक जाने की तैयारी करो, तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले ऐसे वहां पहुंच जाएंगे। तेरे मौसा जी बीमार हैं,
1,00,000 रुपए का बंदोबस्त कर दे, नहीं तो क्या जबरदस्त एक्टिंग किया। पता नहीं उस लड़की ने इतने पैसे इतने जल्दी कैसे भेज दिए। हवाला से? अरे कोई आकाश नाम को छोक रहा है, ट्रांसफर किए ला है। कोई तगड़ा आशिक लगता है। अलिया, तो ये है आप दोनों की असलियत। मैंने आपको अपने आई बाबा जैसा समझा था, और आप दोनों ए? तुझे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, वही पैसे वसूल रहे हैं, समझ रहा? सब समझ गई मैं। और अगर आज मैं यहाँ ना आती ना, तो जिंदगी भर आपके झूठ को सच मानती रहती। कितने बेवकूफ थी मैं, मुझे मेरे वो 1,00,000 रुपया भी चाहिए। अगर तुमने फी डिपॉजिट नहीं की तो क्या किया तुमने उन पैसों का? आकाश कहाँ गए वो पैसे? वो आलिया के पसेची की तबीयत बहुत खराब थी, तो मैंने वो 1,00,000। What? I knew it. तुम उस लड़की को पहले से ही जानते थे? ये मौसा की फिक्र है तुम्हें, अपने करियर की नहीं। करियर गया भाड़ में। एक साल बेच जाएगा तुम्हारा आकाश। Do you have any idea? Do you even realize? एक साल का इंपॉर्टेंस जानते भी हो? एक साल? Absolutely, you know, it's disgusting. और मुझे तो हैरानी हो रही है, वो लड़की कैसे उसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले पैसे? शर्म भी नहीं आई उसे? नो नागरे, लीड कंफर्म्ड है, तुम अभी दो पार्टीज लेके वो रिजॉर्ट जाओ। मैं भी वहां पहुंच ही रहूंगा। आज से इस और जाके का किस्सा खत्म होते ही रहेगा। हेलो हेलो जानकी आंटी, कर रही हो यहाँ पे, पागल हो गई हो? आकाश, चलो यहाँ से। आकाश मेरी बात सुन। मौ मारी है यार रेड मारने। ओ, तो ये है असलियत मिस आलिया की।
मानो या ना मानो मुझे हमेशा से तुम पर शक रहा है कि तुम वो नहीं जो तुम दिखती हो। तुम जैसी लड़कियों को ना धक्के मार कर ना मॉम प्लीज। हालिया ऐसी लड़की नहीं है, ये तो मजबूरी है। मजबूरी? माय फॉल्ट। अगर ऐसी घटिया और वाहियात काम करने वाली ऐसी ऐसी लड़कियों को शर्म नहीं आती तो मैं अभी मजबूर हूँ इसे अरेस्ट करने। मॉम प्लीज डोंट से अ वर्ड। नागरे इस लड़की को अरेस्ट कर लो। मैम मॉम एक मिनट, जितनी गलती उसकी है उतनी ही गलती मेरी भी है। मैंने बुलाया इसे यहां लीगली और लॉजिकली, जितनी गुनहगार वो है उतना ही मैं भी हूँ। आकाश तुम मेरे लिए अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। आलिया तुम्हारे बिना मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे जेल क्यों ना जाना पड़े। आई लव यू आलिया, I love you. Kiski majal koi rok de, kiski majal koi tok de, ishke junoon ruke nahi. Ae baavli, ye aashiqui, ye baavli. शर्मियां बर्बादियां है इश्क की शैतानियां, ये फितूर जो सर पे सवार हो जीना भी फिर दुश्वार हो। किसकी मजाल कोई रोक दे, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्क़ जुनू रुके नहीं। ए बावरी ये आशिकी, गुस्ताख सी ये आशिकी, बेबाक सी।